मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में जो 12वां चैप्टर है हमारा, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और 12वें जो चैप्टर के अंदर लगभग सारे के सारे प्रश्न वृत्त से संबंधित हैं। वृत्त के बारे में हम अच्छे से परिचित हैं कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो परिपथ होता है वो हमारे क्या होता है, वृत्त होता है। उस वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी परिधि, दो हमारे पास सूत्र हम पहले से जानते आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ भी लिखे हैं। जो परिधि होती है वो 2πr के बराबर होती है, r यहाँ त्रिज्या है, और क्षेत्रफल πr की घात 2 के बराबर होता है, r यहाँ त्रिज्या है। और पाई का मान जब तक ना कहा जाए तब तक 22/7 हमें लेना है, नहीं तो जो पाई का मान दशमलव में कई बार 3.14 दे दिया जाता है तो हमें वही इस्तेमाल करना है। प्रश्न नंबर एक को देखते हैं। प्रश्न नंबर एक के अंदर स्टेटमेंट है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अर्थात हमें दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी हैं और उनकी परिधियों का जोड़ एक अन्य वृत्त की परिधि के बराबर दे रखा है, और जो वो अज्ञात वृत्त है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम बड़े वृत्त की परिधि और छोटे वृत्त की परिधि, बड़ा वृत्त जिसकी त्रिज्या बड़ी है, छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या छोटी है, उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों परिधियों का जोड़ अज्ञात वृत्त की परिधि के बराबर है हमारे पास। तो हम यहां पे देखेंगे कि बड़े वृत्त की परिधि परिधि का सूत्र हमारे पास क्या होता है, 2π और r। बड़ी r हमारे पास कितनी है, 19, इतने सेंटीमीटर हो जाएगी, या 19 × 38 पाई सेंटीमीटर। पाई को इस प्रश्न के अंदर हम ऐसे ही रखें क्योंकि लास्ट में जाके ये कट जाएगा, यदि नहीं कटता तो हम यहां इसका पूरा मान 22/7 रख सकते हैं। अब छोटे वृत्त की परिधि देखें, वो भी 2πr। अब की बार कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, तो इतनी हो जाएगी, तो 9 × 18 पाई सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की परिधि 38 पाई सेंटीमीटर आ गई, छोटे वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर आ गई। अब जो अज्ञात वृत्त है, जो हमें पता नहीं है, अज्ञात वृत्त की पहले हम परिधि लिख लेते हैं। अज्ञात वृत्त की परिधि इन दोनों परिधियों के जोड़ के बराबर है, अर्थात 38 पाई जमा 18 पाई। जोड़े इसको, 38 और 18 को, हमारे पास कितना आ गया, 56 पाई सेंटीमीटर के बराबर हमारे पास आ गया। अब अज्ञात वृत्त की परिधि हमारे पास 38 पाई जमा 18 पाई दोनों परिधियों के जोड़ के बराबर कितना आ गया, 56 पाई। और अज्ञात वृत्त की यदि परिधि ज्ञात करनी हो जिसकी त्रिज्या मान लिया, माना हमें मान लेते हैं, माना अज्ञात वृत्त की त्रिज्या वो हमने r मान ली। अज्ञात वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, r, और अज्ञात वृत्त की परिधि कितनी है, 56 पाई। तो हम यहां लिखेंगे 2πr बराबर 56 पाई, क्योंकि अज्ञात वृत्त की परिधि का ये सूत्र हो गया और परिधि हमें पता है कितनी है, 56 पाई। यहां से r निकालेंगे, 56 पाई बटे कितना हो जाएगा, ये 2π यहां से भाग में आ जाएगा, अकेला r बच गया, पाई से पाई कट गया है हमारे पास, और 2 × 2 28 × 56 ये सेंटीमीटर में था, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। अज्ञात वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर। बड़े आसान क्वेश्चन था, थोड़ा समझना था कि दो वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी हैं और उनकी परिधियों का योग एक अज्ञात वृत्त की परिधि के बराबर है, उनका योग निकाल के और परिधि के बराबर रख दिया और अज्ञात वृत्त की त्रिज्या आर मान ली, और आर फिर इस उत्तर से आसानी से निकल गया है। ये था प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 1। अब इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न की स्टेटमेंट हमारे पास, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले प्रश्न के अंदर हमारे पास परिधि दे रखी थी, दो वृत्तों की परिधियों का जोड़ अज्ञात वृत्त की परिधि के बराबर था, और यहां हमें त्रिज्या ही ज्ञात करनी है, लेकिन अब की बात दो वृत्तों का क्षेत्रफल उस अज्ञात वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको बड़े वृत्त मान लेते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 8, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर इकाई होगी हमारे पास ये। तो हम निकाल लेंगे कि बड़े वृत्त का
क्षेत्रफल। पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर की शक्ति दो, तो पाई आर कितना है यहाँ आठ, आठ की शक्ति दो, आठ की शक्ति दो कितना हो गया 64 पाई, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की शक्ति दो में आता है। यहां भी लिख ले, इकाई हमेशा साथ में रहती रहे तो अच्छा है। अभी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हुई है पाई, और आर की बार कितना है 6 की शक्ति 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास ये हो जाएगा, तो कितना हो गया 6 की शक्ति 2 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसको हम बोलेंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ गया, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल लेंगे, अज्ञात वृत्त का क्षेत्रफल। अज्ञात वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, इन दोनों क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर दे रखा है यहां पे, कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो 64 पाई जमा 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और इन दोनों को जोड़े 64 और 36 हमारे पास कितना हो जाएगा 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। पाई अब भी हमने इसका मान इसलिए रखा है क्योंकि आगे जाके फिर ये पाई कटेगा, ठीक है ना। अब मान लेंगे, माना अज्ञात वृत्त की त्रिज्या, अब की बार भी हमने त्रिज्या मान ली, छोटी आर मान लो बड़ी आर मान लो, वो अपने ऊपर निर्भर है, कुछ भी मान सकते हैं, हमने चर के रूप में ले लिया। अब अज्ञात वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर की घात 2, और इधर हमारे पास क्या आ गया 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यहां से आर की घात 2 किसके बराबर आ गया 100 पाई, ये पाई यहां भाग में आ जाएगा, पाई से पाई कट गया वर्ग सेंटीमीटर, और यहां से आर यदि हम निकाल लेंगे त्रिज्या, तो ये वर्ग त्रिज्या के वर्गमूल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भी अंदर ही है, तो 100 का वर्गमूल हमारे पास क्या हो जाएगा 10, और सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो हमारे पास अज्ञात वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले प्रश्न में दोनों परिधियों का जोड़ लेके हमने अज्ञात वृत्त की परिधि के बराबर रख दिया, और यहां पे दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल लेके अज्ञात वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर रख दिया, त्रिज्या को r मान के हमने ये त्रिज्या दोनों स्थितियों में ज्ञात कर ली थी। ये था प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 2। आशा है आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।